करना पड़ेगा डीजे। आखिर कब होगा ऐलान? बकाया डीए का क्या होगा? ये सभी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे और आने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से महंगाई की जो मार है वो हम पर पड़ रही है वो सही नहीं जा रही है। हर तरफ महंगाई है। कहीं भी चले जाओ वहाँ पर हर एक चीज़ महंगी है, लेकिन हमारी पेंशन, हमारी पेमेंट, हमारी सर्विस पेमेंट, हमारा बेसिक पे वहीं का वहीं है। वहाँ उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। डीए माने डीएनएस अनाउंसमेंट। क्या भत्ता, क्या महंगाई भत्ता, क्या बढ़ा है, कितना बढ़ा है, क्या इतना बढ़ा है जितना महंगाई बढ़ गई है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं आ गया हूँ, आपका पुत्र देव पुत्र रवि, आपका भाई, आपका बेटा, आपका प्रिय। आज हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। इसमें क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं, और जो धरना चल रहा है जिसका आज 21-22 दिन है, आप उस धरने में भी इस डीए का कोई जिक्र हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी आखिर डेट कब आएगी, इसका कब यहाँ पर आएगा, तो इन सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा आपको पारिवारी से। तो चैनल बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे सीनियर सिटीजन पेंशनर्स हैं जो, उनके लिए मैं नमन अभिनंदन करता हूँ, और आप प्यार भरा एक इसको लाइक कर दें। चलिए पहले मुद्दे पर हम बात करते हैं कि आखिर क्या है इसकी मंशा, सरकार क्या करेगी इसमें। तो मित्रों यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि गुड न्यूज क्या है इसमें, कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार अगले हफ्ते महंगाई भत्ते यानी डीए में इजाफे को मंजूरी दे सकती है। यह मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी जाएगी और फिर सरकार की ओर से यहाँ पर आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी जनवरी 2023 से जून 2023 तक के लिए होगी। अभी बहरहाल जो भी महंगाई होगी वो जनवरी 2023 से जून 2023 तक के लिए होगी। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल गई है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। मेरे सम्मानीय बुजुर्ग पेंशनर्स जरूर इसको एक बार लाइक कर दें। कितनी होगी बढ़ोतरी? ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने यहाँ पर बीते दिनों में बताया है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 4.23% बैठती है, लेकिन सरकार डीए में 0.5 को नहीं लेती है। ऐसे में डीए में 4% अंक की वृद्धि हो सकती है। इसे 38% से बढ़ाकर यहां पर 42% किया जा सकता है। महंगाई भत्ते पर डीए के अलावा महंगाई राहत यानी डीआर पर भी इतनी ही बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। महंगाई राहत पेंशन कर्मियों को दिया जाता है। देश में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों कुल संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा है। यहां पर इसीलिए 1 करोड़ व्यक्ति, 1 करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों का अहित हो रहा है। हर तरफ महंगाई की मार पड़ रही है। खाना पीना, नहाना धोना, रहना, सब चीज महंगी हो रही है, और लेकिन हमारी पेंशन, हमारी पेमेंट, हमारी सर्विस पे बिल्कुल वहीं की वहीं बनी हुई है। चलो मित्रों यहाँ पर आगे हम अगला मुद्दा हमारा है कि बकाया डीए पर क्या होगा। बकाया डीए जो हमारा है, जो हमारा हक है, उस पर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पैंडिक हुआ था कोरोना का, उसमें सरकार ने उसको अपने आड़े में ले लिया, उसको कवच की तरह वो यूज़ कर रही है। उसने बताया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अब भी 18 महीने के बकाया भत्ते पर फैसले का इंतजार है। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो 1 करोड़ से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं, जो पेंशनर्स, जो सम्मानीय सीनियर सिटीजन्स जो यहाँ पर पेंशन ले रहे हैं, वो 18 महीने के बकाया भत्ते पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर सरकार ने क्या कहा है कि जनवरी 2020 से जून 2021 का जो समय था उसमें क्या था कि यहाँ पर जो कोविड के दौरान ये 18 महीने आए थे, और इस पर हम कोई विचार नहीं करेंगे। अभी इस पर कोई विचार सरकार ने नहीं किया गया है, सरकार के द्वारा इसमें चुप्पी साध ली गई है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कोरोना का काल था, यहाँ पर सरकार वैसे ही दबी हुई थी, यहाँ पर बहुत ही मतलब सरकार के जो खजाने में पैसे की कमी हो गई थी, इसीलिए अभी हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर कल OROP2 पे, यहाँ पर आने वाले कल मतलब 13 तारीख दिन सोमवार को एक मीटिंग होने वाली है सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें यहाँ पर हो सकता है इसके बारे में कुछ चर्चा हो। और यहाँ पर एक प्रमुख विषय हमारा रहेगा OROP2। OROP2 की जो विसंगतियां हैं उनको खारिज करके नए सिरे से समान MSP में और समान सर्विस में यहाँ पर ORs और JCO का मतभेद को हटाकर यहाँ पर OROP2 लागू किया जाए, और मेरी यही कामना है कि उसमें प्रीमैच्योर PMR को भी शामिल कर दिया जाए। मित्रों वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।